मुखिया जी, आप हमको बुला लिया होते। क्या रामलाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई? हमारे मना करने के बाद भी तुम अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हो? क्या तुम हमारे सामने विद्रोह करना चाहते हो? नहीं माई बाप, हम विद्रोह नहीं करना चाहते। क्यों वो तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है? शायद तुम भूल गए रामलाल कि मुखिया जी की आज्ञा न मानने वालों के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है चूना लगा के। मुझे याद है, सब कुछ याद है। मैं दीपक को समझा समझा के थक गया हूँ। गलती मेरी ही है मुखिया जी। बचपन से वो अपने मामा के यहाँ पला बड़ा है, बस वहीं से उसको पढ़ने की आदत लग गई है। आदत लग गई है उसे तो भेज दे उसे मेरी हवेली झाड़ू पोछा लगाने के लिए। खेतों में बैल की जगह हल जुतवाऊंगा, अपने आप उसकी आदत सुधर जाएगी। भेज दे उसे। क्षमा कीजिए, मैं समझाऊंगा उसे। वो जिद्दी जरूर है लेकिन मेरी बात जरूर मान जाएगा। तो मना उसे, अच्छे से मना। अगर वो ना माने तो मेरे पास भेज दे। मुझे अच्छे अच्छों को मनाना आता है। जी मालिक। मैं एक कहावत है, जब सांड ज्यादा उछल कूद करने लगे तो उसको नाथ देना चाहिए, मतलब उसकी नाक में रस्सी डाल देनी चाहिए। तुम दीपक की शादी कर दो, जब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाएगी तो पढ़ाई लिखाई का भूत खुद ब खुद उतर जाएगा चूना लगा के। ठीक है मुंशी जी, जैसा आप। रामलाल जी, दोबारा शिकायत का मौका ना मिले। नहीं मिलेगा। नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते। अगर इस गांव में रहना है तो इस मुखिया से हमें दुश्मनी मोल नहीं लेना है हम लोगों को। हाँ। एक काम करते हैं, हाँ, अपने दीपक की शादी करा देते, कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं पंडित जी के पास जाता हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ। जो भी कुछ होगा मैं करके आता हूँ। क्या चाहिए पंडित जी? तू? हाँ? मेरा मतलब तेरा मीठा मीठा फल। तो लीजिए ना, सब आप ही का तो है। हाथ में लीजिए ना, ये केला पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। दत्त, हमें केले का शौक नहीं है। तो सेब ले लीजिए। नहीं, हमें ये मीठे मीठे तुम्हारे संतरे चाहिए। दत्त बदमाश कहीं का। आए हाय बिजली रानी, तुम्हारी इसी अदा पे तो मेरा दिल बाग बाग। हाँ? तू? सुखी राम दुबे, बिजली रानी को पटाना बंद कर दो चूना लगा के। अरे तुम क्या कर रहे हो, अपनी उम्र का ख्याल करो। उम्र ढल गई और जवानी अभी भी जोर मार रही है। बुढ़ा कहीं का। बुढ़ा? तू मुझे बुढ़ा कहा? अब भी बताता हूँ। एक मिनट। तुम दोनों ऐसे लड़ना बंद करो और मैदान में लड़ो। जो जीतेगा बिजली उसी की। हाँ बिजली, हो जाए, आज हो जाए। एक 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 चलो पंडित, चलो चल। छी, दोनों बेकार है। चल बिजली, तू कोई दूसरा ढूंढ। शांति। अरे ओ शांति। क्या हुआ जी? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से नाच उठोगी। अब बात क्या है बता भी दीजिए। अरे हमीरपुर के जो गोपीनाथ जी है ना, हाँ हाँ, उनकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय करके आ रहा है। ये क्या बाबूजी? हाँ? मुझे अभी शादी नहीं करनी बाबूजी, मुझे पढ़ाई करनी है बाबूजी, अपने पैरों पर खड़ा होना है। बस बहुत हो गई तुम्हारी बहानेबाजी, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारी शादी मैं करा के ही रहूंगा। हाँ लेकिन बाबूजी, हर चीज समय के साथ बदल जाता है बेटा।
बात मान लो ना, अब शादी कर ही लो। बाबूजी ने कहां फंसा दिया, काश मेरी शादी उस लड़की से होती तो। मैं तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अरे मेरी किस्मत, आज आज मैं कितना खुश हूँ पता है? मेरे ख्वाबों की मलिका आज मेरे सामने है, मेरी दुल्हन के रूप में। क्या मैं आपको पसंद हूँ? अरे पसंद, जब मैंने पहली बार आपको देखा तभी पसंद कर लिया। मैं अक्सर यही सोच के घबराती थी कि मेरी शादी किसी अनपढ़ गवार से ना हो जाए, लेकिन हाँ, भगवान ने मेरी सुन ली। लोग सच कहते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, और वो जो भी फैसला लेते हैं उसी में बच्चों की भलाई होती है। मैं भी अपने बाबूजी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पता है क्यों? क्यों? मेरी शादी आपसे जो करवा दी। कितनी खूबसूरत है आप, सच में मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें देखूं या प्यार करूं? चेहरा में समाइल हे रूप लागे बेमिसाल ला 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 ला। चांद चेहरा में समाइल रूप लागे बेमिसाल, मन के भागलू हो आके धड़कन में हमरा समा गईलू हो, आके धड़कन में हमरा समा गईलू हो। तू ही दिल तू ही जान, बानी तोह पे कुर्बान, मन के भागलू हो आके धड़कन में हमरा समा गईलू हो, आके धड़कन में हमरा की मौसम बदले छाजला बहार हो, लहरे लकसिया होला दिन में अन्हार हो। मुस्की मौसम बदले छाजला बहार हो, लहरे लकसिया होला दिन में अन्हार हो।
लहरेला के सिया होला दिन में अन्हार हो। तोहर देखी सुख राई हम तो गई नीलो भाई, तोहर देखी सुख राई हम तो गई नीलो भाई, दिल पे छा गईलू हो। आके धड़कन में हमरा समा गईलू हो, आके धड़कन में हमरा समा गईलू हो। तोहरा सेवा लागल तोहरे प्यार में बानी पागल, नेह लगा आके धड़कन में हमरा समा गईल हो। देखो शांति। हाँ दीपक के पापा। जब से घर में बहू आई है खुशियों की बहार आ गई है इस घर में। हाँ बहू के आने से खुशियों की बहार जो आ गई है। बाबूजी चाय लीजिए। अरे बहू दीपक कहाँ है? जी उन्हें कुछ काम है तो वो तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। अच्छा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? ओ गांव में वीडियो साहब आ रहे हैं दौरे पे, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। तो वीडियो साहब से तुम्हारा क्या काम है? बाबूजी कुछ जरूरी काम है, बाद में बताता हूँ आपको मैं। माँ मैं जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा तो चले जाएंगे। ठीक है बेटा जाओ। अरे जाने दो ना, कुछ काम होगा तभी तो जा रहा है। अरे वो अपने पढ़ाई के लिए ही कुछ बात करने गया होगा। सही कहा बाबूजी आपने, वो बीडीओ साहब से मिलकर गांव वालों के विकास के लिए कुछ बातचीत करने वाले हैं। गांव में अशिक्षा और अंधविश्वास फैल गया है, सबको जागरूक करना और शिक्षित करना बहुत जरूरी है। मुखिया जी मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके तहत गरीबों को राशन वितरित किए जाने और सुविधाएं देनी है, क्या सब बराबर वितरित किए जा रहे हैं? बराबर हो रहे हैं अजी जनाब। सरकार तो कम देती है, मैं तो अपने घर का राशन भी लोगों के घरों में पहुंचाता हूं। चलिए 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 मैं आपको गांव की खुशहाली दिखाता हूं। चलिए चलिए खुशहाली खुशहाली। मुखिया जी बाकी तो सब मुझे ठीक दिख रहा है लेकिन शिक्षा के नाम पे कोई स्थान या स्कूल अभी तक नहीं दिखा। जनाब आप शिक्षा की बात करते हैं, हमने तो गांव में खुद स्कूल बनवाया अपने हाथों से, मजदूरी करके इन्हीं हाथों से बनवाया, लेकिन हमारे गांव वाले पढ़ना ही नहीं चाहते। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। नमस्ते वीडियो साहब। सर ये मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ हर कोई पढ़ना चाहता है लेकिन ये लोग पढ़ने ही नहीं देते हैं। ए, क्या बोल रहे हैं तू, चल जा जा। अरे मैं क्यों जाऊँ, वीडियो साहब से बात करूंगा। मुखिया जी मुखिया जी प्लीज शांत हो जाइए, आप बोलिए। सर देख लिए? सर जरा ध्यान से इस गांव की तरफ देखिए, यहाँ का कणकण विकास का बाढ़ जो हो रहा है। काका इधर आइए, इस गरीब को देखिए, इसके चेहरे को पढ़िए, इसके अंतरात्मा तक गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई है और इनके बच्चे सब अशिक्षित, पूरा गांव अशिक्षित है सर। इन्हें पता तक नहीं है कि शिक्षा क्या होता है और शिक्षा से क्या फायदा होता है। मुखिया जी ये लड़का क्या कह रहा है? रामदीन काका एक बात बताओ, खाना खाया? हाँ खाया। खाया ना, एक बात सही सही बताना, हमने इस गांव में स्कूल बनवाया था या बनवाया नहीं था। बनवाया था ना, क्यों गांव वालों बनवाया था। था। और जलाया किसने था? हम लोगों ने। काका ये क्या कह रहे हैं आप? वाह मुखिया जी वाह, कोई झूठ को सच करना और सच को झूठ करना सीखे तो सिर्फ आपसे सीखे। एक बात बताओ, ये आदमी झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये आदमी झूठ बोल रहा है। काका डर क्यों रहे हो आप लोग? हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो वीडियो साहब के सामने कुछ कहो कि सच्चाई क्या है। अरे शांत शांत,
पढ़े लिखे तो शक्ल से दिखते हो भाई, फिर ऐसी बेहुदा हरकतें क्यों करते हो? मुखिया जी का अपमान क्यों कर रहे हो? सर आइए मुखिया जी प्लीज, चलिए आइए, गांव वालों का भविष्य है। चलिए वीडियो साहब। मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को, मैं इस गांव के लिए क्या नहीं करना चाहता, पर ये मेरी बात समझते ही नहीं लोग। बस इतनी सी बात से दिल छोटा कर लिया आपने। और क्या, अगर गांव वालों में इतनी ही समझ होती तो आज वो लोग इस हाल में नहीं होते। उन लोगों के दिल में डर है, आतंक है, जो इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। रोशनी, वीडियो साहब को भी तो समझनी चाहिए थी, क्या वो भी अंधे हैं? उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? एक वीडियो साहब के ना देखने से क्या होता है, हम और आगे तक जाएंगे। बस मैं इतना जानती हूँ, कोई भी काम दिल से करें तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कैसे? हिम्मत हार कर बैठने की बजाय इंसान को प्रयास करना चाहिए, रास्ता जरूर निकलेगा। अरे कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ एसडीएम साहब के पास। पर खाना तो खा लीजिए। रोशनी खाना खाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। ये मैंने डिप्टी कमिश्नर को मार्क किया है जी। जी सर। इस पे रिपोर्ट बनाकर शाम तक उनके ऑफिस में भिजवा दो। अरे अरे छोड़ो भाई। नमस्ते सर। अरे ये अंदर कैसे आ गया, गार्ड ये सब क्या हो रहा है? सर इन्हें ड्यूटी से ज्यादा तंबाकू प्यारी है, बस उसी ने मुझे मौका दे दिया। क्या यही बताने के लिए क्या तुम अंदर आए थे? नो सर। जाओ यहाँ से, यहाँ जरूरी मीटिंग चल रही है। क्या फायदा सर, इस एसी हॉल में बैठ कर आप लोग विकास की रणनीति करते हैं और विकास हो भी जाता है सिर्फ फाइलों में, लेकिन सर सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। आज भी मेरा गांव वैसा ही है जैसे आजादी से पहले था। अच्छा अब तुम हमें सिखाओगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? नो सर, हम तो सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। हमें सच्चाई का पता चल गया है, गार्ड बाहर निकालो इसे। सर 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 प्लीज सर, बहुत उम्मीद लेकर के आपके पास आया हूँ, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। आज 21वीं सदी में हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं सर, कुछ बनना चाहते हैं, पर वो दबंग लोग मुझे पढ़ने नहीं देते सर। एक मिनट रुको 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 रुको, छोड़ो इसे, बोलो क्या कहना चाहते हो? सर हमारा गाँव रामनगर है, हमारे गाँव में एक भी स्कूल नहीं है सर। बड़ी विचित्र बात है कि तुम्हारे गांव में एक भी पाठशाला नहीं है। जी सर। जो तुम ये कह रहे हो क्या ये सच है? 100% सर। एक काम करो, बाहर से आवेदन पत्र लो जी, भरकर जमा करवा दो। जी जी हम सर्वे करवाते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। स्कूल खुल जाएगा ना हमारे गांव में? हाँ निश्चिंत रहो, सर्वे करवाने के पश्चात ही सब पता लगेगा। थैंक यू सर। ऑफिसर्स। जी सर। जी सर। एक काम करो, रामनगर जाके इस बात का सर्वे करवाओ कि वहां कोई स्कूल है या नहीं है। जी हाँ। ध्यान से सुनो, मुझे एक सप्ताह के अंदर अंदर रिपोर्ट बनाकर पेश करो। ठीक है।